मॉनसून क्रिएट्स मैजिक इन केरला। एक बार तो लाइफ में रेनी सीजन में केरला एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। इफ यू वंडर्ड व्हाई दिस ड्रीम लाइक डेस्टिनेशन इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, देयर इज अ चार्म ऑफ मॉनसून सीजन इन प्लेसेस लाइक अथिरापल्ली, मुन्नार, कुमारकोम, अलपुजा, वर्कला एंड कोवलम। मैं आपको मेरी जर्नी शेयर करूंगा एज टू हाउ आई प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड माई ट्रिप इन केरला इन मॉनसून। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। इस चैनल पे हम ट्रैवल फोटोग्राफी और क्रिएटिव बिजनेस के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेरी डिटेल आइटिनरी शेयर करूंगा कि मैंने केरला को कैसे एक्सप्लोर किया इन मॉनसून, विद स्टे, एक्सपेंसेस, प्लेसेस टू विजिट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप्स, सो दैट आप भी अपनी केरला मॉनसून ट्रिप अच्छे से प्लान कर सको। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मुझे एक फेवर करो, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिदम। खाली 2 सेकंड लगेगा बट आई प्रॉमिस ये चैनल को बहुत हेल्प करेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं आप सबको एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। केरला हैज 2 रेनी सीजन्स, द फर्स्ट स्टार्ट्स इन जून एंड सेकेंड इन मिड अक्टूबर, दैट एंड्स अराउंड मिड नवंबर। हमारा केरला ट्रिप 8 nights or 9 days का था, फ्रॉम 4th to 12th July। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम कोची एयरपोर्ट and ended our journey to Trivandrum Airport, covering 5 major locations and 2 major places to visit. Let's start the journey. Athirappilly Falls in Kerala is one of the most beautiful waterfalls in the world. It is often referred to as the Niagara Falls of India. Hamari almost 2 hours ki journey thi to reach Athirappilly from Kochi Airport. Jab hum wahan pahunche, we were blown away looking at the view of these majestic waterfalls. There are many hotels and resorts in this region, but this particular resort in Athirappilly, jahan pe hum rahe the, called Rainforest, was just beautiful with the view of these waterfalls. This was one of the best stay experiences I ever had in India. I am not paid to say this, but yes, full disclosure, I was gifted this stay and food experience from their end. But उनको पता भी नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. It's completely my true and honest feedback. अगर आपका बजट हो and you want some comfort surrounded by wild nature, then this is highly recommended. हमने authentic Ella Sadia lunch try किया in Rainforest, basically where they serve traditional Kerala thali on a banana leaf, which was delicious. We ate many more Kerala cuisines at the property. सबसे best part ये stay experience का ये है कि आपको एक private walking trail मिलेगा जहाँ आप ये वॉटरफॉल्स के बेस तक पहुंच सकते हो इन लेस देन 10 मिनट्स, और वो ट्रेल में आप फॉरेस्ट के बीच में से जाओगे टू रीच द वॉटरफॉल्स। इट वॉज सच अ वाइल्ड एंड लाइवली एक्सपीरियंस। हम जब वहां पहुंचे तभी वॉटरफॉल्स का फ्लो बहुत ज्यादा था, सो वी हैड टू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज ज्यादा नजदीक जाना वॉज अ बिट रिस्की। अगर आप ये रिसोर्ट में स्टे नहीं कर रहे हो, आप फिर भी ये वॉटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां पे एक पब्लिक एंट्री है जहाँ से आप 10 to 15 मिनट्स वॉक करके वॉटरफॉल्स के टॉप तक पहुंच सकते हो। हम भी वहां पे गए थे और ऊपर से वॉटरफॉल का व्यू इज breathtaking. Fun fact, the opening song of Bahubali was shot at this waterfalls. Athirappilly Falls ka timing is 8 AM to 6 PM और एंट्री फीस 15 rupees. अथिरापल्ली के थोड़े ही डिस्टेंस पे चापरा वाटरफॉल्स और शोलायर डैम को मिस मत करना, especially in monsoon. 2 nights अथिरापल्ली में बिताने के बाद we left for मुन्नार. The lush green valleys, magnificent waterfalls and the picturesque lakes create the scenic picture of Munnar. The beautiful tea plantation of Munnar makes it one of the best places to visit in Kerala in monsoon. Humko around 6 hours lage to reach Munnar from Athirappilly. Us din bahut barish ho rahi thi aur uske wajah se pura landscape green ho gaya tha. Aapko ek tip dunga, don't rely on Google Maps when you are traveling to a hill station in Kerala. Humko 4 ghante dikha raha tha but it almost took more than 6 hours to reach Munnar. Hamara stay Windermere estate mein in Munnar. It brought us to some otherworldly era of beautiful cottages surrounded by lush green tea plantations and a spectacular vantage point from where you can see breathtaking mountains. Again, they kindly gifted us the stay and food experience. Agar aap Munnar mein ho aur aapko old world minimalism pasand ho, with sweeping views of the tea valleys on one side and the high ranges on the other, Windermere Estate is highly recommended. Next day, humne Munnar ko explore kiya. It was raining the entire day and we came across many tea plantations and it was lush green. पहले भी मुन्नार गया हूँ बट मॉनसून में इसका चार्म बहुत अलग है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टी पॉइंट्स है लाइक एको पॉइंट एंड इट्स ऑल ओके, बट द मेन हाईलाइट ऑफ मुन्नार वाज रीचिंग एट द टॉप स्टेशन व्हिच एक्चुअली कम्स अंडर तमिलनाडु। मुन्नार मार्केट से आपको अराउंड 1 घंटा लगेगा टॉप स्टेशन पहुंचने के लिए। वहां पे पहुंच के आपको लगेगा कि आप क्लाउड्स के ऊपर हो। दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ केरला। द माउंटेन रेंजेस वर एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग फॉर अस टू विटनेस। अगर आप मुन्नार में आ रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड गोइंग टू टॉप स्टेशन। हम टॉप स्टेशन
से रिटर्न कर रहे थे टू आर होटल एंड वी स्पॉटेड एन एलिफेंट इन द वाइल्ड। वो एरिया में बहुत एलिफेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस स्पॉट होते हैं। अब तक केरला में हमने वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट, टी प्लांटेशंस और माउंटेन्स को एक्सप्लोर किया। नाउ इट वॉज टाइम टू एक्सप्लोर बैक वाटर्स एंड वी लेफ्ट फॉर कुमारकम। An entrancing backwater destination offers unreal natural beauty and charm. It's an absolutely divine experience comprising of island clusters surrounding the Vembanad Lake. This picturesque tourist spot is a perfect paradise for nature enthusiasts. Humko roughly 3.5 to 4 hours lage to reach Kumarakam from Munnar. We stayed at a property called Coconut Lagoon. Hotel pahunchne ke liye there is a 15 minutes boat ferry ride which you have to take, which is arranged by the hotel itself. Ye property ka best part ye tha ki evening mein ek old lady aati thi on a boat to offer filter coffee with snacks. This was a good local touch. Also, ये पूरा property backwater canals पे बना हुआ है, which is very interesting. शाम को हम sunset boat drive पे गए to explore the backwaters of Vembanad Lake. यहाँ पे एक night का comfortable stay के बाद हम निकले to reach Alappuzha. Also known as the Venice of the East, Alappi is known for its backwaters. It is even called the hub of Kerala backwaters as it stands as home to thousands of houseboats and a vast network of backwaters. हमने Ramada Alappi में stay किया, जिसके room के view में हमको backwaters दिख रहा था। Monsoon था, इसलिए हमने risk नहीं लिया houseboat पे stay करने का। But और कोई भी season में आप houseboat experience ले सकते हो। We explored the backwaters of Kerala and the narrow alleys of Alappi. It costed us 2,000 rupees for two people for around 4 hours of boating. After a quick and relaxing one night stay in Alappi, we left for Warkala. Tucked in the southern part of Kerala, away from the busy touristy destinations of the state, Warkala is a quaint beach town on the Arabian Sea. With exquisite surroundings and a laid-back vibe, the little town of Warkala is definitely worth all your time. Humko around 3 hours lage to reach Warkala from Alappi. We reached at a property called Trip Is Life. They were very kind and warm to host us for 2 nights. It's a unique experiential stay, a luxury A-frame cabin located in a cliff edge adjacent to the sea, with private plunge pool overlooking to Arabian Sea. Actually, ये पूरा ट्रिप वॉज प्लान फॉर माई वाइफ्स बर्थडे एंड द होस्ट दीपक एंड प्रदीप वर वेरी कर्टियस टू अरेंज अ केक एंड अ डिनर आउटसाइड द प्रॉपर्टी इन द गार्डन ओवरलुकिंग द सी। इफ यू आर इन वर्कला, दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड। आपको अपना एक प्राइवेट क्लिफ व्यू मिलेगा विद स्टेप्स टू गो डाउन टू द बीच वेर यू कैन एंजॉय ब्यूटिफुल सनसेट्स। दीपक ऑल्सो टुक सम ऑफ आवर पिक्चर्स टुगेदर एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टे एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड इन इंडिया। हमने वहाँ पे लोकल आयुर्वेदिक फूड स्पा किया एंड इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग। दैट कॉस्टेड अस अराउंड 1,000 rupees पर पर्सन। वर्कला में बहुत सारे क्लीन बीचेस है लाइक अ ब्लैक बीच एंड इफ यू आर अ बीच पर्सन एंड वांट टू अवॉइड अ टूरिस्टी प्लेस लाइक गोवा, वर्कला शुड बी ऑन योर लिस्ट। आफ्टर 2 nights ऑफ कंफर्टेबल स्टे वी लेफ्ट टू एक्सप्लोर जटायु व्हिच इज जस्ट 1 hour अवे फ्रॉम आवर स्टे। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट हैज द स्टैचू ऑफ जटायु। इट इज बिल्ट ऑन अ माइटी रॉक नेम्ड जटायुपरा। दिस इज व्हाट मेक्स इट द लार्जेस्ट फंक्शनल बर्ड स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। जटायु सिंबलाइजेस अ टाइम वेयर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स केयर्ड फॉर ईच अदर। ये बहुत बड़ा एक स्कल्पचर है इन द फॉर्म ऑफ अ वल्चर। इट एक्सप्रेसेस एन इंसिडेंट ऑफ रामायण where this bird died. Iska entry fee is around 250 rupees per person. Aapko cable car se upar jana padega aur uska cost is around 290 rupees per person. Agar aap Warkala ja rahe ho to you can definitely check out Jatayu's Earth Center. After Jatayu humne briefly explore kiya Kovalam. हम इवनिंग में पहुंचे डायरेक्टली कोवलम बीच। इट वाज एन ओवरकास्ट डे। हमने हाफ एन आवर जितना टाइम स्पेंड किया एंड देन वी लेफ्ट फॉर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट बिकॉज हमारा रात का फ्लाइट था वहां से। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। वी ट्रैवल्ड इन एन एसी सेडान कार फॉर 9 days दैट कॉस्टेड अस अराउंड 19,000। लेट्स एड्रेस सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टू ट्रैवल टू केरला इन मॉनसून। व्हिच मंथ्स आर मॉनसून इन केरला? मॉनसून इज बेस्ट सीजन इन केरला एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड एक्सटेंड्स टिल सेप्टेम्बर। और दूसरा मॉनसून स्टार्ट होता है मिड अक्टूबर में एंड एंड होता है मिड नवंबर में। इज इट सेफ to travel to Kerala in monsoon? Yes, it is very much safe to travel Kerala in monsoon. To be on a safer side, aap local driver ko hire karo to drive through hilly areas. Agar aap travel karne ke time bahut barish ho rahi hai to aap jis location pe ho wahan pe apna stay extend kar lo. Also do check the weather forecast before coming. How to prep for monsoon? Carry something like Crocs or waterproof shoes to protect yourself from leeches in the forest. Carry a windcheater or a rain jacket to cover yourself while traveling in monsoon. Carry an umbrella as well. Carry 2 extra pair of clothes as well because your clothes might get wet while traveling. Humne monsoon mein explore kiya Kerala ko and it was one of the most unique experiences of our lifetime. The diverse landscape of Kerala makes it worth a shot in monsoon. In these 9 days, humne explore kiya waterfalls, forests, lush green tea plantations, wildlife,
माउंटेन्स, बैकवाटर्स, बीचेस एंड स्टनिंग आर्किटेक्चर. ये हमारा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ऑफ 2022 एंड आई कांट वेट फॉर यू टू एक्सप्लोर एंड विटनेस दिस ब्यूटी योरसेल्फ. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस बनाने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर ब्यूटीफुल केरला फोटोज एंड वीडियोस. आप ट्रैवल तो कर लोगे बट अगर आपको बेस्ट ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स चाहिए तो वॉच दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.